वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस। मैं चंद्रमणि यादव। आज हम लोग बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज जानकारी एकत्रित करेंगे। बहुपद किसे कहते हैं? एक चर राशि एक्स के विभिन्न घात वाले पदों को एकत्रित करने पर जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे बहुपद कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे सूत्र में पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स के पावर एन माइनस एम होता है। अर्थात मेरे कहने का आशय यह है कि ऐसे पद जिसमें बहुत से पद एकत्रित हों, इस प्रकार के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद को में दो प्रकार की चर राशियां प्रयोग की जाती हैं। पहला होता है आपका चर, दूसरा होता है क्या, अचर। चर को हम इंग्लिश बोलते हैं वेरिएबल, वी ए आर आई ए बी एल ई वेरिएबल, और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। चर वह राशि होती है जिसका मान सदैव परिवर्तित होता रहता है, जबकि अचर राशि वह होता है जिसका मान कभी भी बदलता नहीं अर्थात स्थिर रहता है। अब हम बात करते हैं पद के आधार पर बहुपद। अब हम बात करते हैं बहुपद की पहचान। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह बहुपद ही है? बहुपद दिए गए व्यंजक में चर की राशि का जो घातांक होता है सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए और उस चर की राशि की जो घात होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। उस चर में की राशि का जो घातांक होता है उसका घातांक आधा, तिहाई और चौथाई रूप में नहीं होना चाहिए, तभी हमारा बहुपद होगा। एग्जाम्पल के तौर पे पाँच एस घाते माइनस चार धन थ्री एस घाते माइनस थ्री प्लस टू एस घाते टू। अब देखिए ये हमारा बहुपद है कि नहीं? बहुपद नहीं है, क्योंकि दिए गए बहुपद में बहुपद के प्रथम पद में जो घात है हमारी चर है, यस की घात क्या है, ऋणात्मक, इसलिए हमारा ये बहुपद नहीं है। अब हम बात करते हैं ये बहुपद है कि नहीं? बहुपद नहीं है क्योंकि दिए गए व्यंजक में दूसरे पद में चर की जो घात है वाई की घात जो है 2/3 है, क्योंकि ये आधा तिहाई जो होता है आधा तिहाई हो जाएगा तो ये हमारे पूर्ण बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। अब हम बात करते हैं फाइव एस की पावर सिक्स प्लस थ्री एस की पावर पाँच प्लस टू एस घाते फोर, ये बहुपद है कि नहीं? बहुपद है क्योंकि दिए गए बहुपद में प्रत्येक पद की प्रत्येक चर राशि की जो घात हमारी है पूर्ण संख्या है, इसलिए ये हमारा बहुपद है। अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार, अर्थात बहुपद कितने प्रकार का होता है। हमारा जो बहुपद होता है तीन प्रकार का होता है, एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। अब हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात एक पदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें पदों की कुल संख्या एक होती है, इस प्रकार के बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए यहाँ पर 2x, 3y और 4z एक पदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एक पद है, पहला भी एक पद है, दूसरा भी एक पदी है और तीसरा भी एक पदी है, इसलिए ये हमारा एक पदी बहुपद होगा। अब हम बात करते हैं द्विपदी बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की कुल संख्या दो होती है, इस प्रकार के बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 3x यहाँ पर ले लीजिए 3y² प्लस 4, ये हमारा
द्विपदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि दिए गए बहुपद में कुल दो पद है, एक पद दो पद, एक पद दो पद, इसलिए एक ऐसा बहुपद है द्विपदी बहुपद है। अब हम बात करते हैं त्रिपदी बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की कुल संख्या तीन होती है, इस प्रकार के बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब दिए गए बहुपद में कितने पद हैं, एक पद दो पद तीन पद, एक पद दो पद तीन पद, इसलिए हमारा त्रिपदी बहुपद है। अब हम बात करते हैं बहुपद के घात के आधार पर बहुपद। अभी तो हमने जो बात किया, अब हम बात करते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के तीन प्रकार होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, अर्थात लाइनर पॉलीनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स और क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। अब हम बात करते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसमें प्रयुक्त, जिस बहुपद में प्रयुक्त चर की अधिकतम घात एक होती है, इस प्रकार के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब देखिए यहाँ पर रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद माना यहाँ पर चर क्या है, यस इसकी उच्चतम घात कितनी है, एक। यहाँ पर माना चर क्या है, वाई, इसकी उच्चतम घात क्या है, एक। यहाँ पर चर माना जेड, इसकी उच्चतम घात एक है। अर्थात मेरे कहने का आशय यह है कि जिस बहुपद में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात एक होती है, इस प्रकार के बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। बात करते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर की उच्चतम घात दो होती है, इस प्रकार के बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए यहाँ पर हमारा बहुपद क्या है, 3y² + 4। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा चर है क्या है, वाई, वाई उत्तम है कितनी है, दो। दिया गया बहुपद 4z² - 6, यहाँ पर प्रयुक्त चर क्या है हमारा, जेड, जेड की उत्तम है कितनी है, दो। यहाँ पर बहुपद हमारा क्या है, 3t² - 6, यहाँ पर चर हमारा क्या है, टी, उच्चतम घात कितनी है, दो। अर्थात जिस बहुपद में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात दो होती है, इस प्रकार के बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिघाती बहुपद। अर्थात त्रिघाती बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात तीन होती है, इस प्रकार के बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए हमारा दिया गया बहुपद क्या है, 4y³ + 3y² - 6। अब यहाँ पर देखिए चर क्या है हमारा, वाई, वाई की उच्चतम घात कितनी है, 3। दिए गए बहुपद में आपका 5z³ + 3z² - 6 में दिए गए बहुपद की उच्चतम घात क्या है, 3। इसलिए यह कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। अर्थात मेरे कहने का यही आशय है कि जिस प्रकार के बहुपद में उच्चतम घात एक होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में अधिकतम घात चर की दो होती है, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात तीन होती है, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।